आज एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा की अगुवाई में डेयरी फार्म एसोसिएशन के साथ अमृतसर और शहर की समूह गौशालाओं ने हाल गेट के बाहर पंजाब सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रदर्शन किया। इसमें रोहन मेहरा ने बताया कि डेयरी फार्म एसोसिएशन की तरफ से पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान, अमृतसर शहर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रर को और शहर के सभी एमएलए साहिबान को मांग पत्र दिया जा चुका है कि तूड़ी को फैक्ट्रियों में न भेजा जाए क्योंकि जानवरों के लिए तूड़ी की बहुत कमी आ गई है। तूड़ी की कुल पैदावार का 90% पहले ही फैक्ट्रियों को जा चुका है और तूड़ी की अगली पैदावार अभी 10 महीनों तक नहीं होगी। अगर इसी तरह तूड़ी फैक्ट्रियों को जाती रही तो बची हुई भी खत्म हो जाएगी और जानवर भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। गौशालाओं में भी तूड़ी की भारी कमी देखी जा रही है और बची हुई तूड़ी बाजार में महंगे दामों में बिक रही है। पंजाब सरकार को इस पर कड़े नियम बनाकर तूड़ी की फैक्ट्रियों द्वारा खरीद बंद करनी चाहिए। इसमें सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग का भी बड़ा हिस्सा है क्योंकि तूड़ी से लदे ट्रक आमतौर पर ओवरलोडेड होते हैं और इनके भारी चलान किए जाने चाहिए और इनको शहर की हद से बाहर भी नहीं जाने देना चाहिए। इस मौके पर डेयरी फार्म एसोसिएशन के प्रधान सुखचंद सिंह जी, बाबा शुद्ध सिंह जी, स्वामी कृष्णा आनंद जी, अवतार सिंह जी, हरप्रीत सिंह जी, कश्मीर सिंह जी, नश्तर सिंह जी आदि मौजूद थे। डॉक्टर रोहन है, चेयरमैन एंटी क्राइम एनिमल प्रोटेक्शन, मेरे नाल डेयरी एसोसिएशन के प्रधान सुखचैन सिंह जी, होर भी सज्जन सारे ने। अज का जो प्रोटेस्ट है बेजुबान जानवरों के हक के किया गया वा, क्योंकि जी तूड़ी है पशुओं का चारा वा, जद कि जी सरकार के नुमाइंदे ने डीसी साहब हो गए, होर भी जोड़े अफसर ने, उन्होंने ऑर्डर साढ़े को ने, उन्होंने पूर्ण तरह से रोक लाई हुई है भी फैक्ट्रिया के जोड़ा वा चारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जेड़े काला बाजारी है जी तूड़ी की हो रही है, 90% तक जी तूड़ी है कंज्यूम हो चुकी हुई है, सिर्फ 10% तूड़ी रह गई है। जे ये भी जी खत्म हो जाती है तो जेडे पशु है भुखमारी का शिकार हो गए, क्योंकि आने वाले 10 महीनों तक जी तूड़ी की पैदावार नहीं होनी। तो जे कोई भी पशु इतने मरता वा तो वो पूर्ण तौर पर जी जिम्मेवार सरकार होगी। अज असी जिहड़ा सी एम ने भगवंत मान जी, क्योंकि डेयरी एसोसिएशन के जिहड़े भगवान प्रधान ने सुखचैन सिंह जी, इन्होंने खुद संगरूर जाके उन्होंने मंग पत्र दिता है कि आने वाले समय के जे तूड़ी इदा फैक्ट्रिया दी गई तो पशु जोड़े है वो भुखे मरणगे। लेकिन अज भी अज की तरीक भी जी ट्रालियां ने भर भर के फैक्ट्रिया वाल जा रही ने, जबकि तूड़ी बालन नहीं है। बालन के तौर पर वो कोला यूज़ कर सकते, होर भी बहुत सारे पदार्थ ने। तूड़ी एक खाना है पशुओं का, लेकिन पंजाब सरकार ने सीएम साहब ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिता, जिदे करके अज असी हार के प्रोटेस्ट किया, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए ने। 10% तूड़ी जी है जो भी खत्म हो गई तो सारे गौशाला के सारिया डेयरिया के पशु जोड़े मरना शुरू हो जाए। देखो जी ये नाकामी है, पूरी फेल है सरकार, क्योंकि असी पहली भी सरकार कांग्रेस के टाइम पर भी असं कह रहे थे भी गौशाला वास्ते जेडे काउसैस लिता जा रहा वै वो पशुओं के हित वास्ते है। करोड़ों का रुपया जोड़ा, मैं अमृतसर की गल करा, 7-9 करोड़ रुपया जोड़ा कारपोरेशन को पिया हो, लेकिन अज भी तूड़ी की कमी जी है गौशाला के अज भी हैगी, सड़कों के गुआ अज भी उदा ही ने। तो बिल्कुल असी उम्मीद की भी जी नवी सरकार आएगी कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन यह भी बेजुबान जानवरों के हक के नहीं हैगी। इस करके असी मजबूरन जोड़ा अज असी पहला संघर्ष शुरू किया, तो असी अज भी जोड़ा वा पीसफुल प्रोटेस्ट है साडा। अगला जोड़ा सा प्रोटेस्ट होएगा, असी पशु लै गए भंडारी पुल के सारे डेयरी एसोसिएशन के नाल, ते होर भी गौशाला के जेडे सारे प्रधान या फिर सारिया अमृतसर दी गौशाला भंडारी पुल जल्दी जाम करा। ठीक है, नछत्र सिंह संधू जनरल सैकटरी डेयरी एसोसिएशन अमृतसर। अं अपना 3 महीने हो गया सरकार दियां तरले लैंदियां, सरकार नूं बहुत मंग पत्र दिते ने, भगवंत मान जी नूं घट तो घट 10 MLA नूं मंग पत्र दिते ने कि साडी इह समस्या दा हल कीता जावे। साडी किसे ने गल नहीं सुनी, 90% जिहड़ी तूड़ी कंज्यूम हो चुकी आ, तो डंगरां दी भुखमरी पैण दी कगारते आ, ते अहीं मंग पत्र दिते कि सरकार ने साडे कोल असर नहीं कीता। अज अहीं मजबूरन प्रोटेस्ट किया वा, कित्थे कीता गया, हाल गेट अमृतसर, तो पंजाब दे विच सारे होर भी जिले दे विच ये प्रोटेस्ट हो रहा वा, सारी
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਜੇ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਮਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਉਹ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਬਗੈਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ 100 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।